नेरचौक के वार्ड नंबर 5 में थोड़ी सी बरसात और बारिश होने के कारण मुख्य नेशनल हाईवे 21 में सटे नीलम होटल, अभिलाषी कॉलेज और बल ट्रक यूनियन के कार्यालय के आसपास सड़क की नालियां ब्लॉक होने के कारण साथ लगे घरों में बरसात का गंदा पानी जा रहा है और जिससे खतरनाक बीमारियों के बढ़ने का खतरा और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। नगर परिषद नेरचौक ने इस बारे कई बार लोक निर्माण विभाग नेरचौक को पत्र लिखकर और करीब 20 लाख की पहली किस्त इन नालियों के निर्माण के लिए फरवरी में जारी की गई थी, जिसमें नेरचौक से डडोर तक नालियां बनाने का एस्टीमेट तैयार कर पीडब्ल्यूडी ने नगर परिषद नेरचौक से बजट मुहैया कराने के लिए राशि मांगी थी। इसी समस्या के मद्देनजर सुबह जब अचानक बारिश हुई तो नेरचौक के वार्ड नंबर 5 के स्थानीय लोगों ने पार्षद रजनीश सोनी को जानकारी दी कि उनके घरों में पानी के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। पक्की होनी चाहिए, जो मेन नालियां हैं वो तो बीच बीच से काट दी है, बनी नहीं है, बंद है, बिल्कुल घरों में पानी घुस रहा है। यहाँ कैसे रहना, गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ से पानी पानी हो गया इधर उधर, घर में रहने की दिक्कत, बाहर नीचे ऊपर उतरने की कैसे, पानी पीने को नहीं है, पानी की भी परेशानी हो गई पीने की, घर भी यहाँ देखो बोला पानी कितना आ गया है अंदर बाहर। पार्षद द्वारा सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र नालियों का निर्माण शुरू किया जाएगा और पार्षद रजनीश सोनी ने मीडिया के माध्यम से एसडीएम बल से मांग रखी है कि नेरचौक से डडोर तक की नालियों के बारे लोक निर्माण विभाग नेरचौक के अधिशांशी अभियंता से बात कर नगर परिषद के द्वारा प्रदान किए बजट पर स्थिति स्पष्ट की जाए। और रजनीश सोनी ने बताया कि नेरचौक की हर समस्या के लिए दिन रात खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नेरचौक नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में यहाँ पे हम आज लोगों का भी कॉल आई थी कि यहाँ पे जो है पानियाँ नालियाँ ब्लॉक है, तो नीलम होटल के साथ जो पीडब्ल्यूडी की जो मेन रोड पे नाली है वो बिल्कुल ब्लॉक है और उसकी वजह से जो पानी है वो सारा लोगों के घरों में आ रहा है, लोगों के खेतों में आ रहा है और इसमें जो है इनके घरों को भी गिरने का खतरा है। तो इसका मैंने मौका भी यहाँ पे किया है और मेरी ये एसडीएम बल और प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इसका शीघ्र इसका जो है इसका मौका करके इसका जो है इसकी निकासी के लिए नालियों का बनाने का प्रावधान किया जाए और पीडब्ल्यूडी नेरचौक के जो एक्शन है उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि ये नालियाँ जल्दी से जल्दी निर्माण शुरू करें, क्योंकि नगर परिषद ने उनको पैसा जो है मुहैया नालियों के लिए करवा दिया है। अगर ये नालियाँ समय पर नहीं बनाई गई तो इसके बाद हम इसके लिए इन गांव वालों का, इन शहर वालों का मानना है कि हम इसके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। बीमारी का घर, बीमारी का घर है तो वहां सोबर हाल बिना सीधी ना सीधी दिख रही है, टीवी वाले ने लानी है, बाकी उस लगा दे कुछ दिन के लिए, कुछ ना नल के मैं करवाई दूं ना, नल के मैं करवा देगा मुझे, सिर्फ टैप के लिए थोड़ी देख ना, ऐ रख ना थोड़ी देर बाद आओ मेरे को, कल आ जा कभी भी आना, खत्म नंबर नकल ले आनी लोक मित्र के नाते मच्छर मक्खी बुरा हाल है, देखा नहीं।